that's just my point of view. हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में मैं सैमसंग M51 के कुछ मैक्रो शॉट्स लेने वाला हूँ। उसमें एक एक्सटर्नल लेंस लगाएंगे। एक्सटर्नल लेंस जो होगा वो स्काई विक्का 20x मैक्रो लेंस होगा। तो ये रही वो लोकेशन जहाँ पे मैं मैक्रो शॉट्स अपने लूँगा, जो भी इंसेक्ट्स या कुछ भी मिल जाए छोटी चीज़ें। तो देखते हैं रिजल्ट कैसे आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। थोड़ी देर बाद मेरी नज़र एक ग्रास हॉपर या प्रेइंग मेंटिस पे पड़ी जो कि एक स्टेम पे बैठा था। उससे पहले मैं आपको अपना गियर दिखा दूं जो कि मेरे हाथ में है, सैमसंग M51, उसके ऊपर स्काई विक्का 20x मैक्रो लेंस, और ये रहा वो ग्रास हॉपर। अब चलिए मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे एग्जैक्ट क्वालिटी में दिखाता हूँ कि जैसा आपको M51 मैक्रो शूट करते टाइम दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे 2x जूम करने के बाद भी फोटो पे कोई भी नॉइस आपको देखने को नहीं मिलती है। अब मुझे एक बटरफ्लाई दिखी जो कि जमीन पे बैठी हुई थी। मैं उसके थोड़ा पास गया और मैंने उसे कुछ मैक्रो शॉट्स क्लिक किए। थोड़ी देर बाद वो बटरफ्लाई पेड़ पे जा बैठी। ग्राउंड से कंपेयर करें तो पेड़ पे ज्यादा अच्छे शॉट्स आए हैं। अब बात करते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड की। जब ये मोबाइल मैक्रो क्लिक करता है तो आपको अच्छे खासे डेप्थ ऑफ फील्ड देखने को मिलती है। डेप्थ ऑफ फील्ड यानी बैकग्राउंड ब्लर। स्टार्ट करते हैं इस वाइल्ड फ्लावर से। अब मैं आपको यहाँ पे बोके शॉट्स दिखाता हूँ। बोके यानी जब आपकी लाइट सोर्स ब्लर हो जाए, कुछ इस तरह के राउंड राउंड सर्कल्स बने, उन्हें बोके बोलते हैं। एक प्रो टिप देना चाहूँगा, अगर आप ऐसी शांत लोकेशन पे शूट करने आए तो अपने दोस्त या बेस्ट फ्रेंड को कभी ना लेके आए, नहीं तो वो कुछ ऐसी हरकत करता हुआ पाया जाएगा। अभी वो शांत नहीं हुआ है, अभी रुको, आपको मैं दिखाता हूँ कि वो क्या कर सकता है। जब मैं शॉट ले रहा था तो ये देख सकते हैं, तो कोई नहीं, पर मुझे अपना शॉट यहाँ पे मिल गया। अब मैं आपको एक शॉट दिखाता हूँ जो कि बोके से भरा हुआ शॉट है। यहाँ पे जब मैं वॉक कर रहा था तो मुझे एक पेड़ से निकलता हुआ गोंद दिखा या गम दिखा, इसके मैंने कुछ शॉट्स लिए। तो आप पीछे बोके देख सकते हैं, कितने ही कमाल के बोके ये सैमसंग M51 प्रोड्यूस करता है। तो अब बात करते हैं इस मोबाइल कैमरे की कुछ खामियां की। आपने शुरू में देखा होगा जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को शूट कर रहा था तो मैं 2x से ज़्यादा जूम नहीं कर रहा था। जब भी मैं 2x से ऊपर इसमें बढ़ रहा हूँ यानी 4x या 10x पे ऊपर जाता हूँ तो जो फोटो की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है, फोटो स्मूथ हो जाती है और जो पिक्सल्स हैं वो फटने लगते हैं। तो इसी सब को देख के मैं 2x पे ही शूट कर रहा था। जो सेकेंड ड्रॉबैक है इस मोबाइल कैमरे का वो ये है कि आप इसके प्राइमरी कैमरे से मैक्रो वीडियो शूट नहीं कर सकते। आपको अगर मैक्रो वीडियो शूट करना है तो आपको अपनी क्लिप, एक्सटर्नल लेंस का क्लिप हटा करके नीचे थर्ड वाले लेंस पे अटैच करना होगा। बाकी ओवरऑल ये कैमरा मैक्रो फोटोग्राफी के लिए सही है। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन का यूज़ करके मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।